सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। जिंदगी को समझना बहुत मुश्किल है, कोई सपनों की खातिर अपनों से दूर हो जाता है और कोई अपनों के खातिर सपनों से दूर हो जाता है। आज का पंचांग 27 जून 2020 दिन शनिवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 2:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 10:11 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 9:02 से 10:42 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर दोपहर 3:51 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। कर्क राशि 27 जून 2020 दिन शनिवार, विद्यार्थियों की पढ़ाई व करियर संबंधी समस्याओं का समाधान होगा और प्रतिस्पर्धा व प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। कोर्ट से संबंधित किसी विवाद का हर शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। आज के दिन अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत हो जाएं, उन्हें पूरे समर्पण से निभाएं। ऐसे आपके जीवन में कई रुके हुए काम बन जाएंगे। कोई परेशानी चल रही है तो जल्द ही हल होगी। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन है, परीक्षा में अच्छा फल मिलेगा। अपनी मेहनत में कोई कमी ना होने दें, आपकी जो भी इच्छाएं हैं जल्द ही पूर्ण होगी। सौभाग्य आपका इंतजार कर रहा है, दोस्तों और बड़े भाई बहन आपको लाभ देंगे। अन्य नेटवर्किंग के लिए आदर्श क्षण है जिनमें बने कनेक्शन भविष्य में सफलता का कारण बनेंगे। विपरीत सेक्स के लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। एक ग्रुप या क्लब आपको सदस्य बनाने के लिए उत्सुक है। सहानुभूति उत्साह और देखभाल ऐसे 3 शब्द है जो आज आपकी दिल को छू लेंगे। यात्रा और नए संबंध बनने का योग है। आपके रचनात्मक दृष्टिकोण को तारीफ मिलेगी। आप यह बहाना नहीं बना सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। सावधानियां, किसी संपत्ति को खरीदने के लिए ऋण लेने की योजना बना सकते हैं। खर्चों में नियंत्रण रखें, व्यर्थ के खर्चों में व्यय होने की भी योग अधिक प्रबलता से बने हुए हैं। लव लाइफ की बात करें तो पारिवारिक सुख शांति बनी रहेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपकी काफी समस्याएं दूर करेगा तथा आपसे भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। लंबे समय से खोए हुए प्रेमी आपके पास वापस आएंगे, उनके साथ संबंधों में मत जाएं। आप रोमांटिक संबंधों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि मोहब्बत में रोमांस बढ़ाने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं, दोनों तरफ से होनी चाहिए। कोई शुभ चिंतक आपका मार्गदर्शन कर सकता है। आज आप अपना समय अपने से छोटे लोगों और बीमारों की देखभाल में व्यतीत करेंगे। अपने प्यार को एक खास सरप्राइज देना ना भूलें, इससे आपका दिन खूबसूरत बनेगा। करियर की बात करें तो किसी संपत्ति को खरीदने के लिए ऋण लेने की योजना बन सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के कामों में व्यय होने के योग अधिक प्रबलता से बने हुए हैं। अपने विचारों से सावधान रहें, आपके टीम के साथी आपको क्रेडिट नहीं दे सकते। सेहत की बात करें तो आप सिर दर्द से परेशान रह सकते हैं, इसलिए आराम से कार्य करें। छोटी परेशानियां आपको परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि यह आप पर ही है कि आप
कैसे खुद पर काबू रखें। आज का उपाय, शनि देव जी की आराधना करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।